इस वक्त की बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सलेम को यह सजा प्रदीप जैन हत्याकांड में सुनाई गई। अबू सलेम को प्रदीप जैन की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। 20 साल पहले बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या कर दी गई थी। मुंबई के स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम और उसके ड्राइवर मेहदी हसन को इस मामले में दोषी पाया। दोनों पर उम्र कैद के साथ साथ 2 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। अबू सलेम को आखिरकार जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है। उज्जवल निगम जी, आपकी दलीलों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अहम फैसला लाया है। क्या अबू सलेम को सजा सुनाई गई है, क्या उसके साथी को सजा सुनाई गई है, वीरेन जाम उसे क्या सजा सुनाई गई है? अबू सलेम को तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रदीप जैन की हत्या और एक दहशतगर्दी निर्माण कर, इसलिए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इसके अलावा उसे फाइन भी जो है किया गया है कोर्ट की तरफ से, कितना फाइन रखा गया है और अगर उसे नहीं चुकाया जाता है तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रदीप जैन की हत्या के बारे में कोर्ट ने उसको भी फाइन सुनाया, 2 लाख रुपए का जुर्माना उसे भुगतना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, तो अगर ये उसने जुर्माना नहीं दिया तो उसे जेल में रहना पड़ेगा, ये भी कोर्ट ने कहा। सर, इस पूरे मामले में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत जो है वीरेंद्र जाम ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि उसकी सज़ा माफ़ की जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्र का हो चुका है, उसे क्या उसके ऊपर कोर्ट ने ये कहा है कि जितनी उसने सजा भुगती है उस सजा पर उसको कोर्ट ने उसको सेट ऑफ देके उसकी उम्र पे लिहाज रखते हुए उसने कोर्ट को छोड़ दिया। कुल मिलाकर देखें तो अभी जो है निश्चित तौर पर जो है कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो है अबू सलेम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा अलग अलग धाराओं के तहत जो है उसे 25 साल की सज़ा सुनाई गई है, 12 साल की सज़ा सुनाई गई है और 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए फाइन रखे गए हैं जो कि उसे भुगतान करने पड़ेंगे और ये रकम जो है कहीं ना कहीं प्रदीप जैन के परिवार को जाएगी। आशीष सिंह, इंडिया टीवी।